Welcome students, this video is for B.Ed. Semester 4 students, Paper 10, Creating an Inclusive School, Unit 2. The topic is Socially Maladjusted and Emotionally Disturbed Children. सामाजिक रूप से कुसमायोजित एवं संवेगात्मक रूप से अस्थिर बच्चे. इस वीडियो के कंटेंट है Meaning of socially maladjusted children, causes of maladjustment, characteristics of socially maladjusted children, meaning of emotionally disturbed children, causes of emotional disturbance, characteristics of emotionally disturbed children, classification of emotionally disturbed children, comparison. इससे पहले कि हम अपनी चर्चा आरंभ करें मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी. ये स्टोरी एक स्कूल की है. क्लास 10 में अमन नाम का एक लड़का पढ़ता है. नाम पर मत जाइए, काम ठीक उसके उल्टा. आए दिन मारपीट करना, गाली गलौज, टीचर्स को डिस्टर्ब करना, क्लासमेट्स को डराना धमकाना, बिना पूछे स्कूल से भाग जाना, ये इसका स्वभाव बन चुका है. किसी के समझाने का कोई असर नहीं, बल्कि अपने व्यवहार का उसे कोई गिल्ट फीलिंग भी नहीं. इसी प्रवृत्ति के कारण उसे पहले भी 2 स्कूल से निकाला जा चुका है. पढ़ाई में 1 साल का गैप हो चुका है. अमन एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से है, मगर उसके इस प्रवृत्ति के कारण उसके माता पिता काफी दुखी और उदास रहते हैं. इसी स्कूल में क्लास 7 में एक लड़की पढ़ती थी, रूबी. अच्छी कदकाठी, सुंदर मगर बेहद संकोची स्वभाव की. उसके ना कोई दोस्त थे, ना उसे किसी से बात करना पसंद था. क्लास में भी उसकी पूरी कोशिश रहती कि टीचर की नजर उस पर ना पड़े, और कभी टीचर अगर कुछ प्रश्न पूछते तो वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप खड़ी हो जाती. पूरा क्लास उसे मौनी बाबा के नाम से पुकारता था. उसे स्कूल आना पसंद नहीं, मगर उसकी माँ उसे मिड डे मील के लिए जबरदस्ती भेज देती थी. एक्चुअली रूबी एक बेहद गरीब परिवार से थी. उसका पिता एक शराबी और माँ लोगों के घरों में काम करती थी. उसके 2 छोटे भाई बहन भी थे. उसका पिता प्राय उसकी माँ को मारता पीटता, गाली गलौज करता, और कभी कभी उन्हें भी. पिछले 5 महीनों से वो स्कूल नहीं आ रही. उसके साथी बताते हैं उसका इलाज चल रहा है, किसी डॉक्टर के पास नहीं, एक तांत्रिक के पास. तांत्रिक का कहना है कि एक बुरी आत्मा का प्रकोप है जो धीरे धीरे उसे अपने वश में ले रहा है. अगर आप इस विद्यालय में कार्यरत होती तो क्या अमन और रूबी की कोई मदद कर पाती? अमन और रूबी जैसे बच्चों को सोशली मैलएडजस्टेड या इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन की श्रेणी में रखा जाता है. हमारे देश में प्रतिवर्ष लाखों बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, जिन्हें ड्रॉपआउट्स कहते हैं. इन ड्रॉपआउट्स में इमोशनली डिस्टर्ब और सोशली मैलएडजस्टेड चिल्ड्रन की एक बड़ी संख्या होती है. अगर इन बच्चों को समय पर सही मार्गदर्शन और परामर्श ना मिले तो वे आगे चलकर एंटी सोशल एक्टिविटीज, ड्रग एडिक्शन, एक्यूट डिप्रेशन या सुसाइड की ओर बढ़ सकते हैं. ये बच्चे भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की श्रेणी में आते हैं. तो चलिए हम अपना टॉपिक आरंभ करते हैं. सोशली मैलएडजस्टेड चिल्ड्रन. मैलएडजस्टमेंट 2 शब्दों के मेल से बना है, मैल और एडजस्टमेंट. मैल का अर्थ होता है बुरा या इम्प्रॉपर. एडजस्टमेंट शब्द का प्रयोग तो हम अपने आम जिंदगी में काफी करते हैं, जैसे बच्चे नए स्कूल, कॉलेज या हॉस्टल में एडजस्ट करते हैं, घर में मेहमान आने पर हम एडजस्ट करते हैं, कम पॉकेट मनी मिलने पर एडजस्ट करते हैं, 2 समोसे में 5 लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लड़कियां ससुराल में एडजस्ट कर लेती हैं, और फिलहाल
लॉकडाउन में आप लोग ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग से एडजस्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है, जब भी हम अपने एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तो उसे एडजस्टमेंट कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत, जब हमारे नीड्स और एक्सपेक्टेशंस और एनवायरमेंट में सामंजस्य नहीं होता तो उसे मैल एडजस्टमेंट कहते हैं। गेट्स के अनुसार मैल एडजस्टमेंट रेफर्स टू अ डिसहार्मनी बिटवीन द पर्सन एंड द एनवायरमेंट। कुसमायोजन व्यक्ति और उसके पर्यावरण में संतुलन असंतुलन का उल्लेख करता है। सोशली मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन आर दोज हुज सोशल नॉट इमोशनल बिहेवियर्स इनहिबिट मीनिंगफुल नॉर्मेटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्पेशली दे कंसिस्टेंटली डिसरिगार्ड और डिफाई अथॉरिटी, रिफ्यूज टू मीट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट रिक्वायर्ड इन रेगुलर स्कूल्स एंड क्लासरूम्स, have problems related to society normative expectations. Such children are the kinds of children that are difficult to taking responsibility of their actions. They have little or no remorse. They know the rules but still continue to break them. सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक वो बालक है जो अपने आप को सामाजिक मानकों के अनुरूप नहीं ढाल पाते। ऐसे बालक जानबूझकर दूसरे व्यक्तियों की आशाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। वो आज्ञा पालन नहीं करते और दूसरों को सताते हैं और स्वयं गलत होने पर भी आनंदित रहते हैं। ये टर्म एक सब्जेक्टिव टर्म है, अर्थात किसी शिक्षक के लिए एक बालक सोशली मैल एडजस्टेड हो सकता है तो दूसरे के लिए वही बालक इनडिसिप्लिन्ड हो सकता है। आयु, लिंग और तीव्रता के आधार पर बालकों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। लेट अस सी व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मैल एडजस्टमेंट। कुसमायोजन के कई कारण होते हैं, जैसे अनहेल्दी होम एनवायरनमेंट, अस्वस्थ घरेलू वातावरण, हेरिडिटरी कॉज वंशानुगत कारण, फिजिकल डिफेक्ट और डिजीज, शारीरिक विकार या बीमारी, पॉवर्टी गरीबी, बैड कंपनी और नेबरहुड, बुरी संगत या पड़ोस, फॉल्टी मेथड ऑफ टीचिंग शिक्षण के अनुपयुक्त विधि, डिस्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कड़ा अनुशासन, लैक ऑफ फैसिलिटीज संसाधनों का अभाव, लैक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मनोरंजन के साधनों की कमी, इमोशनल शॉक भावात्मक धक्का, मास मीडिया जनसंपर्क साधन, सोशल लॉ एंड बाइंडिंग्स सामाजिक नियम। चलिए देखते हैं इन बच्चों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फील्स अनडिजायरेबल डिप्राइव्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन। ये बच्चे खुद को अवांछनीय या स्नेह रहित समझते हैं। फ्रीक्वेंट इमोशनल अपसेट, बारंबार भावात्मक रूप से व्यथित रहते हैं। इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता की कमी पाई जाती है। लैक्स एप्रोप्रिएट गिल्ट एंड ऑफन ब्लेम्स अदर्स फॉर हीज और हर प्रॉब्लम्स। फेलियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिहेवियर। अपने व्यवहार की का उत्तरदायित्व नहीं लेते एवं अपने कामों के लिए ये दूसरों को दोषी ठहराते हैं। डिसलाइक स्कूल्स टेंडेंसी टू बुली अदर चिल्ड्रन। स्कूल जाना पसंद नहीं करते और दूसरे बच्चों को डराते धमकाते हैं। रिपीटेड ट्रांसी फ्रॉम होम एंड स्कूल। घर और स्कूल से बार बार भागने की प्रवृत्ति रहती है। रिबेल्स अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। नियमों की अवहेलना करते हैं। लो स्कूल अचीवमेंट इवन इन एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस। निम्न उपलब्धि स्तर रहता है। डिस्प्ले लिटिल रिमोर्स लैक ऑफ एम्पैथी। पश्चाताप या सहानुभूति की कमी पाई जाती है। इजीली एक्साइटेड एंड एंगर्ड। शीघ्र उत्तेजित या क्रोधित हो जाते हैं। लाइंग एंड चीटिंग।
झूठ बोलना और धोखा देना। डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी, विध्वंसात्मक प्रवृत्ति। एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, उच्च व्यग्रता। कॉन्स्टेंट डे ड्रीमिंग, दिवस्वप्न में लीन। स्टबनेस, हठी। इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना से ग्रसित। एबनॉर्मल फियर ऑफ डार्कनेस एंड एनिमल्स, जानवरों या अंधकार आदि से असामान्य डर। ओवर सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म एंड सजेशन, आलोचना एवं सुझावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील। थंब सकिंग, नेल बाइटिंग, बेड वेटिंग एक्सेट्रा। अंगूठा चूसना, नाखून चबाना, बार बार पेशाब करना या बिस्तर गीला करना। एंटी सोशल एक्टिविटीज और डेलिक्वेंसी, असामाजिक गतिविधियों या बाल अपराध में लिप्त पाए जाना। चलिए अब हम देखते हैं इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने इसे इस प्रकार डिफाइन किया है, इमोशनल डिस्टर्बेंस इज अ टाइप ऑफ साइकियाट्रिक डिस्टर्बेंसेस विदाउट क्लियरली डिफाइंड फिजिकल कॉज और स्ट्रक्चरल डैमेज टू ब्रेन। इमोशनल डिस्टर्बेंस इज द रिजल्ट ऑफ अ लैक ऑफ म्यूचुअल अडेप्टेशन बिटवीन चाइल्ड एंड सेटिंग और एन इनकन्सिस्टेंसी ऑफ एक्सपेक्टेशंस अक्रॉस सेटिंग। यह एक तरह का साइकियाट्रिक डिस्टर्बेंसेस है। इसे इमोशनली बैकवर्ड या हैंडीकैप्ड या ट्रबल्ड चिल्ड्रन भी कहा जाता है। इन बच्चों की आईक्यू 80 से 90 के आसपास हो सकती है या ये गिफ्टेड या क्रिएटिव भी हो सकते हैं, मगर अपनी कमियों के कारण ये अपनी क्षमताओं का उचित उपयोग नहीं कर पाते। आइडिया ने इसे इस प्रकार डिफाइन किया है, इट इज ए कंडीशन एग्जिबिटिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड टू अ मार्क डिग्री दैट एडवर्सली अफेक्ट्स अ चाइल्ड्स एजुकेशन एंड परफॉर्मेंस। एन इनएबिलिटी टू लर्न दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटेलेक्चुअल, सेंसरी और हेल्थ फैक्टर्स। ऐसे बालकों में सीखने की असमर्थता होती है और उस असमर्थता की व्याख्या बौद्धिक, सांवेदिक या स्वास्थ्यपरक कारणों के आधार पर नहीं की जा सकती। एन इनएबिलिटी टू बिल्ड और मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पीयर एंड टीचर्स। ऐसे बालकों में साथियों और शिक्षकों के साथ अंतर्व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने और उनका निर्वाह करने में असमर्थता पाई जाती है। इन अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ बिहेवियर और फीलिंग्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ऐसे बालक सामान्य परिस्थितियों में भी अनुपयुक्त व्यवहार और मनोभाव का प्रदर्शन करते हैं। अ जनरल परवेसिव मूड ऑफ अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन। ऐसे बालकों की चित्तवृत्ति सामान्यता एवं व्यापक रूप से अप्रसन्नता और अवसाद दिखाई पड़ता है। अ टेंडेंसी टू डेवलप फिजिकल सिम्टम्स ऑफ पेन और फियर्स एसोसिएटेड विद पर्सनल और स्कूल प्रॉब्लम्स। ऐसे बालकों में भय और दर्द जैसे शारीरिक लक्षणों को प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति होती है। इन लक्षणों का संबंध उनके व्यक्तिगत जीवन या स्कूल की समस्या से होता है। हालांकि इस डेफिनेशन की काफी आलोचना भी होती है। इस डेफिनेशन में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या टू अ मार्क्ड डिग्री या एजुकेशनल परफॉर्मेंस। इनकी व्याख्या अच्छी तरीके से नहीं की गई है। इसके अलावा इसमें सोशली मैल एडजस्टेड और कंडक्ट डिसऑर्डर के बच्चों को भी शामिल नहीं किया गया है। Now let us see what are the causes of emotional disturbance. इसके कई सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे biological factors, इसके अंतर्गत physical constitution, malfunctioning of endocrine glands, prenatal drug exposure, mood disorders, depression, schizophrenic,
एंड ADHD मे बी जेनेटिक. एनवायरमेंटल फैक्टर्स, होम, कम्युनिटी और कल्चरल सेट, पॉवर्टी, लैक और सुपरविजन, अब्यूज, नेगलेक्ट, पेरेंटल स्ट्रेस, लैक ऑफ पेरेंटल लव. साइकोएनालिटिक फैक्टर्स, एंग्जाइटी, ट्रामा, डिस्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन एट्सेट्रा. स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स, हाई और लो एक्सपेक्टेशंस, मीनिंगलेस असाइनमेंट्स एट्सेट्रा. चलिए देखते हैं इन बच्चों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अनहैप्पीनेस, प्रॉब्लम्स विद अथॉरिटी फिगर, पीयर रिजेक्शन, एनोरेक्सिया एंड बुलेमिया, एकेडमिक फेल्योर, थ्रेट ऑफ वायलेंस, लाइंग एंड थेफ्ट, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, डिस्ट्रक्टिबिलिटी, एंग्जाइटी, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, लोनलीनेस, विड्रॉल, डिप्रेशन, एग्रेशन, हॉस्टिलिटी, अब्यूसिव, नॉन कंप्लायंस, टैंट्रम्स, कोरेसिव बिहेवियर्स, इंडल्ज इन एल्कोहल और ड्रग्स, प्रोफेनिटी, सुसाइडल टेंडेंसी. इन बच्चों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्ड चाइल्ड. इसके अंतर्गत डिप्रेस्ड चाइल्ड, ऑटिस्टिक चाइल्ड, स्किज़ोफ्रेनिक चाइल्ड, सुसाइडल चाइल्ड, एनोरेक्सिक एंड बुलेमिया चाइल्ड को रखा जा सकता है. डिप्रेस्ड चाइल्ड का मतलब है ये काफ़ी अवसाद युक्त होते हैं. ये अपने आप को असहाय और आशाविहीन समझते हैं. ऐसे बच्चे प्राय अनहैप्पी, बहुत दुखी या बहुत तनाव में रहते हैं. ऑटिस्टिक चाइल्ड, स्वलीन या आत्मविमोहित बालक. ऐसे बच्चे जनरली डे ड्रीमिंग या मीनिंगलेस एक्टिविटीज में लिप्त रहते हैं. कभी कभी बहुत एग्रेसिव भी हो सकते हैं. स्किज़ोफ्रेनिक चाइल्ड, खंडित मनस्क बालक. प्राय ये बालक इमोशनल रिएक्शंस नहीं दिखाते. एक्सट्रीम डे ड्रीमिंग पाई जाती है. इसके अलावा ये कई तरह के भ्रम से ग्रसित होते हैं. इनमें विड्रॉल या एग्रेसिव सिम्टम्स दोनों पाए जा सकते हैं. मीनिंगलेस वर्ड्स बड़बड़ाते रहते हैं. नेक्स्ट है सुसाइडल चाइल्ड, आत्मघातक बालक. ऐसे बच्चे खुद को अनइम्पॉर्टेंट या अनडिजायरेबल समझते हैं. अपने माता पिता या मित्रों द्वारा तिरस्कृत होते हैं. या फिर मौत या पुनर्जन्म जैसे कॉन्सेप्ट से बहुत आकर्षित होते हैं. कभी कभी क्रोध या ध्यान आकर्षण करने के लिए भी ये ऐसे कदम उठा लेते हैं. एनोरेक्सिक एंड बुलेमिया, ये ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं. जनरली टीनेजर्स, गर्ल्स में पाए जाते हैं. अत्यधिक मोटा हो जाने के डर से ये खाना पीना छोड़ देते हैं. कभी कभी सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग या मेडिसिंस लेके भी अपने पेट साफ करने की प्रवृत्ति रहती है. ये बच्चे भी काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं और कमज़ोर होने के कारण दूसरे गतिविधियों में इनका मन नहीं लगता है. नेक्स्ट है बिहेवियरल डिसऑर्डर चाइल्ड, स्कूल फोबिक चाइल्ड. ऐसे बच्चे जिन्हें विद्यालय जाने से डर लगता है, विद्यालय से ये भाग जाते हैं या थोड़े समय बाद छुट्टी मांगने लगते हैं. विद्यालय जाते समय इन्हें सिरदर्द या उल्टी जैसी शिकायत रहती है. नेक्स्ट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल चाइल्ड, असंगत बालक. ये ऐसे बालक होते हैं जो बिना परिणाम सोचे काम करने लग जाते हैं. जैसे पढ़ते क्लासरूम में पढ़ते पढ़ते अचानक मैदान की तरफ दौड़ पड़ना, रोड क्रॉस करते समय दोनों तरफ ना देखकर पार कर लेना,
नेक्स्ट है मॉडल चाइल्ड, आदर्श बालक। ये बच्चे ज़्यादातर मौन रहते हैं और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही बोलते हैं। इनकी कक्षा में काफ़ी तारीफ होती है मगर ये आंतरिक रूप से काफ़ी चिंतित या भययुक्त हो सकते हैं। ये अवसादग्रस्त भी रहते हैं। एक्टिव चाइल्ड, सक्रिय बालक। जनरली ये एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ते हैं। इन बच्चों में ADHD के लक्षण भी पाए जा सकते हैं। ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट है विक्टिमाइज चाइल्ड, उत्पीड़ित बालक। बैटर्ड चाइल्ड मतलब प्रतिहारित बालक। ये बच्चे अपने माता पिता या दूसरे द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से उत्पीड़ित होते हैं। ब्रोकन फैमिली चाइल्ड, भग्न परिवार के बालक। ऐसे परिवार में माता पिता में से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो गई हो या अलगाव या तलाक हो गया हो, ऐसे परिवारों के बच्चे में भी काफी अवसाद पाया जाता है। इन बच्चों को एक अलग प्रकार से भी वर्गीकृत, इनके व्यवहार के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यवहार या तो एक्सटर्नलाइजिंग हो सकते हैं या इंटरनलाइजिंग, यानी बाहिकरण या आंतरिकरण। बाहिकरण में व्यवहार अनकंट्रोल्ड होता है और स्टाइलिंग आउट, एक्टिंग आउट स्टाइल के होते हैं, यानी ये अपने बिहेवियर को प्रदर्शित कर पाते हैं। इंटरनाइजिंग में ये बच्चे अपने व्यवहार को ओवर कंट्रोल करते हैं और दबाते हैं, जैसे विड्रॉल, डिप्रेशन, एंग्जियस, इस तरह के बिहेवियर शो करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके मन में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि दोनों ही प्रकार के बालकों के कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉजिंग फैक्टर्स सेम हैं, तो हम दोनों में अंतर कैसे करें। केवल व्यवहार को देखकर हम निर्णय नहीं कर सकते, व्यवहार के साथ साथ उसके कॉज और पर्पस को भी ध्यान रखना होगा। जैसे अगर कोई गरीब घर का बच्चा चोरी करता है तो उसे सोशली मैल एडजस्टेड कह सकते हैं, मगर यही चोरी किसी संपन्न घर का बच्चा करता है तो इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है।